हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नॉलेज मॉल में आप लोगों का स्वागत है और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज ये LCM HCF की फर्स्ट वीडियो है, तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज मैं इन्हें बताऊंगी, सबसे पहले मैं LCM HCF के कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता देती हूँ। LCM HCF जानने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज बता देती हूँ आप लोग को कि गुणनखंड और गुणज किसे कहते हैं। गुणनखंड जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, और गुणज को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मल्टीपल। आइए इन कहते किसको है। गुणनखंड हो गया, जैसे आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 42, ठीक है। 42 को हम 6 मल्टीप्लाई 7 भी लिख सकते हैं, 42 को 6 मल्टीप्लाई 7 भी लिख सकते हैं। तो 42 को अगर कहा जाए कि आप तोड़ कर लिखिए, तो 42 को हम 6 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं। तो 6 और 7 जो हो गया 42 के लिए, ये क्या बन गया? फैक्टर। अगर पूछा जाएगा कि 42 का फैक्टर कौन कौन सा है, तो हम लिख सकते हैं कि 6 × 7, या फिर आप लिख सकते हैं 2 और 21, ये भी इसका फैक्टर है। तो इस तरह से इसे क्या कहेंगे हम लोग? फैक्टर। और मल्टीपल किसे कहेंगे? गुणज। कि 6 और 7 के लिए ये 42 जो है क्या हो गया? ये हो गया इन दोनों के लिए ये मल्टीपल। तो आप लोग समझ गए होंगे फैक्टर और मल्टीपल। अब आइए आगे चलते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम एलसीएम कहेंगे। आइए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे है कि 2, 3 और 5। अगर इसका एलसीएम दिया गया है कि एलसीएम मैंने निकाला है कि 30, तो एलसीएम के बारे में क्या कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या, दी गई संख्याएं हैं 2, 3 और 5, दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही एलसीएम। तो एलसीएम अगर मैंने 30 दिया है, तो ये देखिए, यह 2 से भी डिवाइड है, फिर 3 से भी डिविजिबल, फिर 5 से भी डिविजिबल है। यानी कि 30 जो है 2, 3 और 5 का क्या हो गया? ये एलसीएम। अब एचसीएफ के बारे में देखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी पूरा पूरा उसे डिवाइड कर दे, तो वह क्या कहलाएगा? एचसीएफ। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ मैं, जैसे 24, 36 और 60। जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कंटिन्यू ढंग से इस तरह से निकालते हैं, जैसे कि जो छोटे वाले अंक है उससे पहले इसमें भाग लगाइए, तो ये जैसे एक बार में लग जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा कितना? 12। फिर ये 24 को यहाँ लिखते हैं हम, ये हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि 12 आया। अब एक अंक और बचा हुआ है, तो उसमें फिर हम भाग लगाते हैं, तो ये देखिए 5 times में ये लग गया, यानी कि हमारा जो एचसीएफ निकला, वो एचसीएफ क्या निकला? हमारा 12 निकला। अब कहा गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता है। अब देखिए, ये संख्याएं दी गई है, इन सब को देखिए, 12 जो है 24 को भी विभाजित, यानी कि जब हम डिवाइड करेंगे 12 से 24 को, तो ये पूरा लग जाएगा, फिर 36 में भी लग जाएगा पूरा, और 60 में भी यह पूरा लग जाएगा। तो इस तरह से 12 क्या हो गया? हमारा एचसीएफ हो गया। अब आते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैंने बेसिकली से बताना स्टार्ट किया है कि मैं बेसिक से बताती हूँ, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते जाऊंगे। तो देखिए, पहला है जैसे कि 24, 36 और 40 का एलसीएम। तो इस तरीके से एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा कि इस तरीके से डिवाइड करते गए और एलसीएम निकालते हैं, तो ये सभी को आता है। मैं बताती हूँ आप लोगों को गुणनखंड विधि से। जैसे देखिए, 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3। 24 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 3।
अब है 40, 40 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5। अब देखिए इसको हम 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो हम इसकी पावर 3 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 3 और है ही नहीं, तो इस पर पावर 1 या फिर 3 ही रहने दीजिए। अब क्या है, 2, 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2, और 3 पर पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 बार है। अब आ जाइए नीचे है, 2 पर पावर कितना है, चूंकि 3 टाइम है तो 3 हो जाएगा, और 5 पे 5 है ही नहीं तो 5 ही रह जाएगा, या 5 पे पावर 1, तो 1 हम नहीं लिखते हैं। अब देखिए कहा गया इसका एलसीएम निकालना है, तो अच्छे से समझिएगा, अगर इस तरह से दिया हुआ रहे और एलसीएम हम लोगों को निकालना है इससे, तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ा पावर जिसका रहेगा वही संख्या हम लेंगे, और कॉमन रहे या नहीं रहे इसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए 2, 2 पर पावर 3, 2 और 3, इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है, 2 पर पावर 3, तो इसका हम 2 पर पावर 3 लिखेंगे। अब देखिए सेकंड आते हैं, 3 है, 3 देखिए इसमें है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो एलसीएम के लिए कोई रहे अथवा नहीं रहे हम सारे डिजिट को लेंगे, लेकिन किसको, जो सबसे बड़ा हो। तो इन दोनों में देखिए बड़ा कौन, 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट है 5, 5 देखिए एक में ही है, इन दोनों में नहीं, फिर भी हम इन्हें लेंगे, एलसीएम के में सारे को लिया जाता है लेकिन सबसे बड़े पावर वाले को, तो 5 तो एक ही है, तो ये हमारा, ये क्या निकल गया हमारा एलसीएम। नेक्स्ट आइए एचसीएफ निकालना है, 63, 72 और 180, तो मैंने कंटिन्यू विधि से अभी थोड़ी देर पहले बताया है एचसीएफ, अब मैं बताऊंगी गुणनखंड विधि से। 63 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और इसे पावर में जब लिखना हो तो 3 पर पावर क्या होगा, 2 गुना 7। अब 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसे हम 3 का क्या लिखेंगे, 2 बार है, 2 टाइम्स, तो स्क्वायर लिखेंगे, और 2 ये 3 टाइम्स है तो 3 पावर हो जाएगा। अब है 180, 180 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 3 2 टाइम्स है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 2 टाइम्स है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और 5 1 टाइम है। एलसीएम में मैंने देखा अभी कि जो सबसे बड़े होते थे उसे हम लेते थे, और जो कॉमन हो या नहीं हो सारे को लिया जाता था, बट एलसीएम में ऐसा नहीं है, सॉरी एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में देखते हैं, एचसीएफ में 2 चीजें इसमें भी ध्यान रखनी होती है कि एक तो वो संख्याएं लेनी है आपको जो तीनों में हो, तीनों में कॉमन हो, और सबसे कम पावर, सबसे छोटी संख्या जो हो उन्हीं को हम लेंगे। अब देखिए 3 देखिए तीनों में है, तो 3 की सबसे कम पावर क्या है, 2। सारे में इत्तेफाक से तीनों में पावर 2 ही है, अगर इसमें अगर एक संख्या और रहती कि 3 पर पावर 1 या 3, तो हम उसको लेते, तो सबसे छोटी संख्या हो गई ये 3 में 3 स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई हम देखते हैं कि 7, 7 क्या है किसी में, नहीं है, तो हम 7 को नहीं लेंगे। 2, 2 भी इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 2 को भी हम नहीं लेंगे, एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन होना जरूरी है। और 5 भी नहीं है तो अब हम किसी को नहीं लेंगे, यानी हमारा जो एचसीएफ हो गया ये हो गया, इसे हम 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पॉइंट में दिए गए हैं, 0.18, 0.24, 0.27 का एलसीएम निकालें। इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए दूसरे मेथड से भी निकालते हैं, तो कि पहले पॉइंट को हटा के फिर एलसीएम निकालना, फिर बाद में पॉइंट को अरेंज करना, ऐसे में क्या होता है कभी कभी स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं, तो आइए इसे एक ही विधि से बनाएं ताकि इसमें क्या होगा कि कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, 0.18 पॉइंट हटाएंगे 20, 0.24 पॉइंट हटाएंगे 20, 0.27 पॉइंट हटाएंगे 20 नीचे। अब इसका एलसीएम निकालना है, जब भी भिन्न के रूप में आ जाए आपका और एलसीएम निकालना हो तो हम इसे क्या करेंगे कि अंश का एलसीएम बटे हर का
एच सी एफ, ठीक है। अंश ऊपर वाले को कहते हैं और हर नीचे वाले को, तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब हम 18, 24 और 27 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इन तीनों का, ये देखिए 18, 24 और 27 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 216। तो यहाँ पे लिखेंगे 216 बाय, जब इन 100, 100 और 100 का आप एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 100, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2.16। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1.08, 0.36 और 0.9 का एच सी एफ निकालना है, तो इसे भी हम उसी तरीके से निकालेंगे। पॉइंट हटाएंगे, 2036 है पॉइंट हटाए 20, 0.9 है पॉइंट हटाएंगे 10। अब देखिए एच सी एफ चूंकि निकालना है और ये भिन्न के रूप में, एलसीएम निकालना था तो अंश का एलसीएम बटे हर का एच सी एफ, अब यहाँ एच सी एफ निकालना है तो हम क्या करेंगे कि अंश का एच सी एफ बटे हर का एलसीएम। अंश 108, 36 कितना है, 108, 36 और 9, 108, 36 एंड 9 का जब हम एच सी एफ निकालेंगे तो एच सी एफ जो है हमारा कितना आ जाएगा, 9, तो 9 लिख देंगे हम यहाँ। और जब 100, 100 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 100, यानी हमारा आंसर होगा 0.09। तो इस तरीके से जब भी पॉइंट का रहे तो आप इस तरीके से बनाइए, इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है जब भी ऐसा भिन्न में आपका दिया गया रहे तो एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे कि अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो अंश में क्या है आपका, 2, 3, 4, 9, जब इन सारे का आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 36, और 3, 5, 7, 13 का जब आप एच सी एफ निकालेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि एलसीएम इस इन टोटल का एलसीएम कितना निकल गया, 36। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7/9, 14/15 और 1/10, सॉरी यहाँ पे 7 लिखना था मुझे, 7/10 का एच सी एफ निकालना है। अब इनका एच सी एफ, एच सी एफ कैसे निकालेंगे, ये भी आपका क्या है, भिन्न में दिया गया है, तो आइए अंश का एच सी एफ बटे हर का एलसीएम। इसमें कुछ नहीं है, आप याद रखिए जो आपको निकालना है वो आप ऊपर रखिए और बाकी नीचे जो बचता है, यानी एच सी एफ निकालना है तो ऊपर का एच सी एफ निकलेगा और नीचे एलसीएम, एलसीएम निकालना हो तो ऊपर एलसीएम और नीचे एच सी एफ। अब देखिए 7, 14 और 7, इन तीनों का जब आप एच सी एफ निकालिएगा तो एच सी एफ आ जाएगा 7, और 9, 15 और 10 का जब एलसीएम आप निकालिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 90, यानी कि 7/9, 14/15 और 7/10 का जो एच सी एफ निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 7/90। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/2, यानी 2² × 3 × 7² × 3, उसके बाद है आपका 2³ × 3² × 7 × 11² फिर है आपका 2 × 3³ एंड 7 × 13, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। और इसके पहले मैंने बताया था आप लोगों को गुणनखंड तरीके से, तो सेम वही प्रोसेस है, आपको इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया, इसमें कॉमन हो या नहीं हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी डिजिट आपको लेना है, लेकिन लेना किसको है, सबसे बड़े वाले डिजिट को। अब देखिए 2/2 है, यहाँ 3 है और यहाँ सिर्फ 2 है, तो आपको इनमें सबसे ज्यादा पावर वाले लेने होंगे, यानी सबसे बड़े अंक कौन से है, 2/3। अब आ जाइए 2 के बाद 3 है, 3 में यहां 1 ही है और यहां 3/2 और यहां 3/3, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो 3/3, तो ये हमें लेना है। फिर आ जाइए 7, 7 यहां 2 है, 7 पे स्क्वायर, यहां 7 और यहां 1 ही 7, यानी हमें कौन सा लेना है, तो 7² फिर आ जाइए 9, 9 है, इसमें 9 नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर भी हम उसे लेंगे 9। फिर आ जाइए
11, इसमें चारों हो गए, इसमें है क्या आपका 11, 11 क्या है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर भी हम लेंगे 11 का होल स्क्वायर। फिर एक और क्या डिजिट आपका बच जाता है, 13, तो 13 किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में, फिर भी हम उसे लेंगे, यानी कि इन तीनों का जो एलसीएम निकला हमारा क्या निकल गया, 2q × 3q × 7² × 9 × 11² × 13, ये हमारा निकल गया एलसीएम। नेक्स्ट है कि 2³³ × 3 × 5² × 7, फिर है 2² 3² 5 इंटू है सब में, फिर 7² × 17, फिर 2 × 3q × 5q × 7⁴ × 11, इन सारे का क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ के लिए मैंने बताया कि तीनों में कॉमन होना जरूरी है, और इसमें सबसे छोटे डिजिट को लेंगे, 2³, यहाँ स्क्वायर और यहाँ 2, तो तीनों में है कॉमन और तीनों में सबसे छोटा क्या है, 2, तो हम इसे 2 लेंगे। फिर देखिए 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3² और यहाँ 3³, दोनों में तीनों में दिया गया है और तीनों में सबसे छोटा क्या है हमारा, 3। फिर आइए 5 में, 5 यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 का क्यूब है, तो एचसीएफ निकालना है हम इस, और तीनों में कॉमन है तो सबसे कम कौन सा हो गया, 5। फिर आ जाइए 7, 7 है इसमें, इसमें भी और इसमें भी, इसमें 1 है, इसमें स्क्वायर है और इसमें क्या है आपका, 4, तो सबसे कम कौन सा हो गया, 7। अब देखिए यहाँ चारों के चारों हो गए हैं, अब एक्स्ट्रा में आपका 17 है और 18 है जो कि इन दोनों में मौजूद नहीं है, इसीलिए एचसीएफ में हम इनको नहीं लेंगे, यानी हमारा जो इन तीनों का एचसीएफ निकल गया 2³³ × 5² × 7, ये हमारा हो गया एचसीएफ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चूंकि एलसीएम एचसीएफ की वीडियो मैंने आज से स्टार्ट की है, तो जैसा कि मैंने और पिछले में जितने भी चैप्टर से बताया है, तो मेरा शुरू से ही रहा है कि मैं शुरू स्टार्टिंग जो करती हूँ तो मैं बेसिकली करती हूँ, फिर धीरे 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 क्या करती हूँ उसका लेवल को थोड़ा बढ़ाती जाती हूँ, तो इस ताकि मेरी बस यही कोशिश है कि जो थोड़े मतलब अभी नए नए फील्ड में उतरे ही हैं उनको भी समझ में आ जाए, और बाकी जो थोड़े जानकार हैं तो उन्हें तो समझ में आ ही जाएगा, और इसीलिए मैं थोड़ा बेसिकली से चलती हूँ लेके। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों को नोटिफिकेशन आपका मिल जाए। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें। धन्यवाद।